अस्सलामुअलैकुम A1 टीवी के साथ मैं हूं अरुज फखर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे तो दुरुस्त सिम्त में नहीं जा सकते। दूसरों से शफाफियत का कहें और ख़ुद कुछ ना करें ऐसा नहीं हो सकता। दूसरों का एहतसाब करें और अपना मुहासबा ना करें, लोग कदर नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस ने कहा। जजिस पर जायज़ तनकीद की इजाज़त है, गाली से ग्रेज कर दिए देना चाहिए। अगर वालदैन आपको इसके बरक्स कहें तो बेशक वो करें। आज तक अपनी ज़ात के लिए किसी को तोहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नज़रअंदाज कर दें तो गालम गलौज शुरू कर दी जाए। माजी में बेंच की तश्कील से लोग फैसलों का अंदाज़ा लगाते थे, आज मुझे भी नहीं पता होता दाएं बाएं वाले जजेस क्या फैसला देंगे। मामलात में शफाफियत आई, कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को नहीं भेजी जाती। अब ये किस्मत की बात है कि किसका केस कहां लग गया। चीफ जस्टिस ने कहा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर राय दी, आयन शिकन को कसूरवार ठहराया, रजा टावर के मुतासिन को मुआवजा दिलवाया, छुट्टियों में एक माह की कमी की, निगरान हुकूमत के दौरान आम इंतबात नहीं हो रहे थे, हमारे पास केस आया तो फैसला किया, किसकी इख्तियारात पर तजावुज नहीं किया। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और जिंदगियां दाव पर, केसेस की बारी आने में दहाइयाँ लग जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कैदी सेल में कई दहाइयाँ गुजार चुके हैं, बेगुनाह का जेल में रह कर रिहा होना सानहे से कम नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में जेल अल्तवा मुकदमात 56,000 से तजावुज़ कर चुके और सिविल मुकदमात में इंसाफ की फराहमी तेज़ करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट को इशाया देंगे, अरकान को सियासी हालात और कानून साजिश पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के इशाया में JUIF की शिरकत मुतवक्के। और शहर इक़्तिदार में आए रोज़ जलसों जलूसों और धरनों से अवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने की वजह से ताजरान को लाखों का नुकसान हुआ। मज़ीद के तफसीलात हैं, जानते हैं राजा रुखसार से। अस्सलाम वालेकुम वन टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा रुखसार। मैं इस टाइम मौजूद हूँ पारा मार्केट में। गुज़िश्ता रोज़ जलसे के दौरान पूरा इस्लामाबाद तकरीबन 11 जगह से बंद रहा, इस दौरान ताजरान और आवाम को कितनी मुश्किलात दरपेश थी, आइए जानते हैं उनसे। हमारे परिवार का क्या, हमें आने ही नहीं दिया किसी ने, रास्ते जगह जगह से बंद थे, मले भी बंद थे तो और मेन रोड तो छोड़ो मले भी बंद थे। कारोबार का क्या हुआ, हम आए ही नहीं, हमें माल सारा सड़ गल गया, हमारा बहुत नुकसान हुआ घर। भाई बात ये है, देखें कोई किसी को कोई नुकसान नहीं दे सकता, अल्लाह का शुक्र है कल भी हमने बहुत अच्छी दिहाड़ी लगाई है, हम नहीं झूठ बोलते हैं। वैसे वो लोगों की बातें होती हैं कि हम इस तरह हो गए, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जिसको अल्लाह ना मारे उसको बंदा नहीं मार सकता है। बाकी रिजक का वादा अल्लाह ने किया है, अल्लाह देगा, चाहे धरना दें या लॉन्ग मार्च करें, हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। हम अपना काम अपने तरीके के साथ जैसे करते हैं करते रहेंगे और करेंगे भी। बहुत दुश्वारी हुई है, बच्चों को दुश्वारी हुई है, लेडीज को दुश्वारी हुई है, जो मरीज है खास करके उनको दुश्वारी हुई है। अल्लाह पाक हदायत दे इनको, क्या कर सकते हैं। हम खुद ताजर तो नहीं है, हम गाड़ी वाले हैं, लेकिन ये हमारा भी नुकसान हुआ है, रास्ता बंद होने से बहुत नुकसान हुआ है। हर आदमी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहा चला है, हर आदमी अपने ना किसी को मल के साथ है ना आवाम के साथ है, लेकिन हर आदमी अपनी दाव दाव कीचड़ उछालने के बगैर किसी का कोई चारा नहीं है। शहर इक्तदार से आए रोज अवाम जलसे जुलूसों और धरनों से तंग, इनका यही मतालबा है कि इन्हें ऐसे जो है ओछी हथकंडों से दूर रखा जाए। कैमरामैन शहबाज अली के साथ राजा रुखसार अहमद A1 TV इस्लामाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV सब पे नजर, अंदर की खबर।